गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉपिकल पेंगुइन्स। तो कैसे आप लोग सब, आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं मोस्टली आपसे रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन ये रेसिपी इज़ क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये मेरे घर पर अंडमान में हर एक संडे को बनता है और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है अंडमान स्पेशल बंगाली मटन करी, या फिर कौशा, कुछ भी आप बुला लो इसे। मेरी मम्मी हर वक्त मुझे कहती है कि रेसिपी लिख के रखो, क्योंकि पुराने ज़माने में यही सब होता था ना, लेकिन आजकल ये कहाँ होता है। तो मुझे लगा कि इस रेसिपी को मैं मेरे चैनल पे डॉक्यूमेंट करके रखती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है ही। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो बंगाली खाने में सरसों का तेल यूज़ होता है, ये आप सबको पता है, तो मुझे चाहिए सरसों का तेल। तो कढ़ाई जैसे गरम हो गया है, मैंने इस पे दे दिया सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे हमें चाहिए। उसके बाद हम इस पे दे देंगे तड़का। तड़के में हम दे रहे ड्राई रेड चिल्ली, तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी और लवंग। हम तेल थोड़ा सा जैसे गरम हो जाए इसमें हम ये तड़का दे देंगे और तड़के को हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। एक अच्छा सा जैसे महक आ जाएगा इस पे, इसमें हम दे देंगे प्याज। मटन में प्याज का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तक प्याज लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो तेल था इसके अंदर मैंने प्याज दे दिया है और मैंने इसे हल्का सा फ्राई किया है और उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा सा चीनी दे दिया है। जी हाँ, ये एक सीक्रेट बोल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा एक रिच कलर आता है। अब कलर के लिए हम और भी तो कुछ कुछ यूज़ करेंगे, उसमें से एक है हल्दी और कश्मीरी रेड चिल्ली। पहले हम प्याज को ऐसे चारों तरफ करेंगे और तेल को बीच में आने देंगे और उस तेल में हम दे देंगे हल्दी और कश्मीरी रेड चिल्ली। इससे बहुत अमेजिंग एक कलर आता है और टेस्ट का मुझे नहीं पता इससे टेस्ट का फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन हाँ बहुत 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 रिच एक कलर आता है। तो हमें मसाले को भी अच्छे से उस तेल पर फ्राई करना है और उसके बाद हमें फिर से प्याज के साथ मिला देना है। और इस प्याज और मसाला का जो मिक्स है इसे भी हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें दे देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करें और मुझे पर्सनली लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं लहसुन ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम भी दे सकते। जैसे ही अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चले जाए हम इसमें दे देंगे ग्रीन चिली पेस्ट, नमक और होममेड कोरिएंडर पाउडर। जी हाँ, ये धनिया पाउडर है। मैं और एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इस रेसिपी में जीरा का कोई भी पाउडर नहीं आएगा, तो इसलिए जीरा का कोई भी फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो नमक आप अपना स्वाद अनुसार दे सकते हैं और कम भी दे तो बाद में टेस्ट करके आप दे सकते हैं। तो अब तीनों चीज़ को हम बहुत अच्छे से मिला देंगे प्याज के साथ और अब हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे इस मसाला को, और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाला ना जले और बहुत अच्छे से पक जाए। तो इस स्टेप में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद हम इसमें दे देंगे दही यानी कर्ड। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही लिया है और उसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसे मैं मसाला मिक्स के अंदर दे दूँगी और जब मैं दही दूँगी तब मैं गैस का फ्लेम बहुत कम रखूँगी, एकदम लो रखूँगी, और इस मसाले के साथ दही को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छे से भून चुका है। इसे हमें बहुत अच्छे से एक्चुअली भूनना है और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाए अब हम इसमें दे देंगे मटन। तो मटन को मैंने पहले मैरिनेट करके रखा था नमक और हल्दी के साथ और इसे मैंने अप्रॉक्स 1 आवर तक रखा था मैरिनेट करके। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी इस मसाले में दे रही हूँ मटन और मटन को मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आपको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्लो कुकिंग मटन है, तो कुकिंग स्टेप बाद में होगा। तो इस मसाला और मटन का जो मिक्स है इसे हम अप्रॉक्स 10 टू 15 मिनट्स तक ऐसे रखेंगे और आप इसे ढक ढक के भी 10 मिनट्स रख सकते हो। 10 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी पूरा बॉयल होना चाहिए, मैं हर वक्त गर्म पानी यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मटन पे अभी जा रहा है पानी और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे पानी चाहिए क्योंकि इसी पानी पे मटन कुक होगा। मैं कुकर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये स्लो कुकिंग है, तो अप्रॉक्स मुझे लगेगा 1.5 घंटा। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो अगर आप हड़बड़ी में हो तो आप प्लीज़ इसे मत बनाओ, इसीलिए हमारे घर में संडे को बनता है। तो मैं इसे बीच बीच में देख रही हूँ और थोड़ा सा हम चला भी देंगे बीच बीच में इसे ढक्कन उठाकर, और जब हम इसको स्लो कुकिंग करेंगे इसका लीड बंद होगा। अब हम डालेंगे इसमें आलू। जी हाँ, बंगाली कुकिंग है, आलू तो जाना ही चाहिए ना। तो आलू जो है ये मैं जब 1.5 घंटे में, आधा घंटा बाकी था, मतलब 1 घंटा होने के बाद मैंने इस पर आलू डाला है और फिर से मैं इसे ढक के रखूँगी। और आलू को मैंने ना तो फ्राई किया है ना तो बॉयल किया है, डायरेक्ट मैंने आलू को कट किया है और
उसके बाद इस मटन पे डाल दिया है और उसके बाद मैं फिर से इसे ढक के पकाऊंगी। तो अब मेरा मटन एप्रोक्स 1.5 घंटा पक चुका है। अब हम इसमें देंगे गरम मसाला, लेकिन गरम मसाला देने का भी एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि मेरे घर का सीक्रेट है आप कह सकते हैं। तो ये जो सीक्रेट है ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला एक स्पून पे लेंगे। एक्चुअली मेरे घर पे गरम मसाला पीस के यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इस पाउडर में हमें 1 से 2 ड्रॉप सरसों का तेल यूज़ करना है और इसका एक पेस्ट टाइप का बनाना है और ये पेस्ट को हमें मटन के अंदर मिला देना है। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है और उसके साथ बहुत एक रिच कलर लाता है। ये आप बंगाली फिश करी या फिर चिकन करी या फिर मटन करी पे आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एग करी पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा टेस्ट आता है। मेरी मम्मी इस मोमेंट में थोड़ा सा घी भी ऐड करती है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है घी का फ्लेवर, तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर से हम थोड़ी देर से ढक देंगे और बन गया हमारा अंडमान स्पेशल स्लो कुक मटन। ये बहुत ज़्यादा यमी बनता है। मैं आपको यहीं पे यही दिखा रही हूँ कि देखिए आलू भी बॉयल हो गया है और आप इसे पूरी के साथ खा सकते हो, मतलब हम जिसे लूची कहते हैं, और बासुंती पुलाव के साथ खा सकते हो। मैं इसे बहुत सारा ओकेशन पे बनाई हूँ और हर वक्त मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है इस डिश के लिए। ये एक अलग सा एक फ्लेवर लाता है क्योंकि ये स्लो कुक्ड होता है इस कारण। और मैं यहाँ पे जो राइस दिखाई हूँ अभी आपको, ये सिंपल वाइट बासमती राइस था, लेकिन आप पुलाव के साथ खाओगे तो आपको ज़्यादा यमी लगेगा। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे घर पे संडे का प्लेट होता है ऐसा। और ये जो आलू जो जूसी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एक बार ट्राई करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ये कॉम्प्लीमेंट मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे ट्राई करोगे तो। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स। बाय।